लगातार हुकूमत की तरफ से भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं और वहीं उलमाए कराम की तरफ से भी लगातार अपील की जा रही है। अमित शर्मा, किस तरह से राजौरी में आपने देखा क्या कुछ माहौल है और सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सिक्योरिटी को लेकर कड़े पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के भी इंतजाम है। आने जाने वाले की यहाँ पे चेकिंग करने के बाद ही उसको अंदर छोड़ा जा रहा है। और जिस तरह से 2 वर्ष बाद जो है ये ईद उल अजहा का जो है दिन यहाँ मनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम यहाँ पे मुस्लिम भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे ईद की नमाज जो है वो अदा की जा रही है। ये ईदगाह राजौरी है और आपको अंदर के विजुअल हम दिखा रहे हैं। ये ईदगाह है और ईदगाह में जो है अभी नमाज जो है अदा की जा रही है। यहाँ पर काफी संख्या में जो है यहाँ पर आए लोग आए हुए हैं और वो ईद की नमाज जो है वो अदा कर रहे हैं और यहाँ पर जो है अमन और शांति की दुआएं जो है वो यहाँ पर मांगी जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करके कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या ईद का जो पर्व है ये किस तरह से यहाँ पे मनाया जा रहा है, यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। आप यहाँ पे तमाम क्यारी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम लोग हैं। भाई जी क्या कहेंगे? पार्किंग प्रॉपर दूर दूर यहाँ करवाने पे से ये जो प्रॉपर यहाँ पर यहाँ पर पार्किंग मिसमैनेजमेंट की वजह से तकरीबन 200 लोगों की नमाज छूट गई। जो जो ये ईद का त्योहार है किस तरह से यहाँ मनाया ये जा रहा कोई है? पब्लिक रैली तो थी नहीं, पब्लिक रैली में इतनी वो जो पार्किंग के इश्यूज हैं वो टाइट रखे जाते हैं। ये नमाज अदायगी का मसला था और कम से कम 200 लोगों की नमाज छूट गई क्योंकि पार्किंग बहुत अवे, बहुत सारे बूढ़े लोग होते हैं वो उनको वहां से आधा आधा किलो किलो किलोमीटर पे चलने से यहाँ दिक्कत हुई है और नमाज छूट गया। ये बड़ी विषय की बात है, इस पे ध्यान देना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन मेरी नमाज छूटी इसलिए मैं बड़े दुख से बोल रहा हूँ। पार्किंग मिस मैनेजमेंट थी ये और बहुत इतनी अवे नहीं करनी चाहिए। अगर ये एट दैट बीन पब्लिक रैली फिर तो एक सिक्योरिटी कंसर्न होता, लेकिन एक रिलीजियस रिचुअल होता है, साल में एक बार आता है और इसको कम से कम अपाहिज लोगों बच्चों के लिए और जो लोग चल नहीं सकते बराबर उनके लिए पार्किंग का उनको एक्सेस देना चाहिए। बिल्कुल, वेरी तो सॉरी आई एम टू से बिल्कुल ये भाई साहब ये बता रहे हैं कि यहाँ जी पर पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं थी तो काफी लोगों की नमाज जो है वो छूट गई है और इस तरह से नहीं होना चाहिए था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर नमाज अदा यहाँ पे कर रहे हैं, अल्लाह ताला की यहाँ पे दुआ की जा रही है। यहाँ पर जो है अमन शांति के लिए हाथ यहाँ पे आज उठाए गए बिल्कुल लगभग 2 वर्षों अमित, के जिस बाद एक तरह बार। से देखा जाए एक साल में ये पूरा मौका आता है ऐसे में। हालांकि एलजी इंतजामिया की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही थी कि बेहतर से बेहतर सहूलत लोगों को फराहम की जाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे जिस शख्स ने आप तक ये मुतालबा पहुंचाया है सरकार एलजी इंतजामिया तक भी ये बात पहुंचे और आगे से इन चीजों का ख्याल रखा जाए। खुर्शीद आलम आपके पास आना चाहेंगे, वहां पर किस तरह के इंतजाम रहे, चूंकि अलग अलग इलाकों में अलग अलग परेशानियां देखने को मिलती हैं, क्या किसी तरह की परेशानियां लोगों को तो नहीं उठानी पड़ी? सब पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से जिले इंतजामिया ने पहले यहाँ जिले इंतजाम कुलगांव ने पहले से ही ये जो इंतजाम किए थे वो उस पर जो है लोग पहले ही जो है खुश है क्योंकि सरकार ने जो बिलखसूस हम अगर बात करेंगे जिले इंतजाम कुलगांव, उन्होंने पहले ही इस बात की अर्जी की गई थी कि जहां पर भी यानी कुर्बानी जो भी करेगा था, लेकिन उन लोगों से ये दरखास्त की गई और लोगों को ये इस बारे में इन्फॉर्म किया गया कि मेहरबानी करके कि जो नदी नाले है वहां पे आप जो है चाहे यानी जो भी आपको डिस्पोजल निकले वहां पे ना डाला जाए ताकि जो हमारी वाटर बॉडीज है वो आलूदा ना हो जाए। उसके साथ साथ ये है कि कुर्बानी का मकसद यही है कि कुर्बानी इसी चीज का दर्ज देता है कि जिस तरह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की इताअत मानी और उसके साथ साथ हजरत यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हजरत अपने वालिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इताअत मानी कि अपने वालिद की इताअत की, कुर्बानी उसी पे यानी एक पाकिजगी सिखाता है कि किस तरह से हमें इताअत करनी है और किस तरह से हमें अल्लाह ताला का जो हुक्म है वो मानना है। तो दरस यही दे रहे आज की ईद कुर्बानी का मकसद यही है, तो वही जो एडवाइजरी की गई उसके साथ साथ लोगों को इस बारे में आगाह किया गया कि ईद का मकसद यही है कि हमें आसपास सफाई रखना और उसके साथ साथ जो गरीब गुरबा है फुकरा है उनको उनका भी ख्याल रखना है। लेकिन जिस तरह से जिले इंतजामिया और जम्मू कश्मीर पुलिस बिल्कुल जिले पुलिस कुलगाम उन्होंने पहले ही हर जगह पे यानी चाहे वो काजीगुंड हो